क्या सोच रहे हो? हाँ, इस झील के बारे में। बहुत बड़ी झील है ना, तुम्हारी तरह। तुम भी विशाल और ये झील भी विशाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। झील मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर झील मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। जानती हो मधु, जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर से एक झील दिखाई देती थी। अक्सर मैं और मेरे डैडी उस झील के किनारे बैठा करते थे। मेरे डैडी बहुत अच्छे तैराक थे। वो चाहते थे कि मैं भी तैरना सीख लूं, लेकिन मैंने तैरना नहीं सीखा। तुम बोर तो नहीं हो रही? बोर क्यों, तुम तो मुझे भी अपने साथ बचपन में ले गए थे। वैसे कल तक तो इस बात का यकीन हो चला था कि इंसान हमेशा बच्चा बना रहता है, जब तक वो हर काम हर दुख को भूलकर जीना चाहे। कल तक यकीन था तो आज क्या हुआ? बहुत सीरियस लग रही हो। नहीं तो। चलो मधु, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं और लौट चलते हैं फिर वही बचपन की किसी हसीन झील के किनारे, जहां हरी हरी घास हो, जहां झील के पानी का रंग सोने की तरह सुनहरा हो, जहां आसमान गहरा नीला, ऊंचे ऊंचे पेड़, धुंध के बादल। छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम।
मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे। थम जाए भगवान, मेरे विशाल को कुछ ना हो। ये बारिश रोक ले भगवान, ये बारिश रोक ले। सारा कसूर मेरा है, ना रुकता तो अब तक घर भी पहुंच चुके होते। मधु को अगर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अगर सर्दी लगी तो जानती हो ना, जरा सी बात हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारी भी तो, तुम बीमार पड़ गए तो? चलो कम ऑन, चुपचाप ये जगह पहनो। ओफो, हाँ अब ठीक है, शाबाश। लेफ्ट, प्लीज रोकिए रोकिए। क्या हुआ? ऐसे मेन रोड पर छोड़ देंगे? बैठ जाओ मधु, कम ऑन हरी अप।
तुम पीछे बैठ जाओ। चुक चुक चुक, सदा सुहागन रहो बहू। मैंने सुहागरात को बैराग्य रात में बदल दिया। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। एक ज्वालामुखी बने जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। झूठ नहीं बेटे, सच है, उसे कैंसर हुआ। अगर हो सके तो थोड़ा सा ऊन और सिलाइयां लेते आइएगा और स्वेटर के साथ मोजे भी बन जाएंगे अपने पोते के लिए। वो पोता कभी नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा इस घर में, तू कभी माँ नहीं बन सकेगी, माँ नहीं बन सकेगी, कोई तुझे माँ नहीं कहेगा, माँ नहीं कहेगा। विशाल के साथ साथ तेरी माँ की उम्मीदें सब सपने खाक में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। विशाल का नाम खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। विशाल का नाम खत्म हो जाएगा, मधु हो जाएगा, मधु। मधु, क्या हुआ? एक बात कहनी थी। कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? पहले वादा करो कि मैं जो कुछ कहूंगी सुनकर मुझे माफ कर दोगे, नफरत नहीं करोगे मुझसे? नफरत और तुमसे? अरे पगली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहो क्या बात है? पहले वादा करो। वादा? मुझे गलत मत समझना विशाल, मेरी एक सहेली थी नीना, चंद ही महीने हुए थे उसकी शादी को, पता चला एक दिन वो जलकर मर गई। वो खुद नहीं जली थी बल्कि उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे जलाया था। इस सदमे ने मेरे अंदर मर्दों के लिए नफरत पैदा कर दी। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, बहुत से रिश्ते आए लेकिन मैंने ठुकरा दिए। मैंने और अंकल ने कितने जतन किए, लाखों कस्में दी, फिर एक दिन थक कर मैंने हार मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। उस भीड़ में तुम भी थे, सबसे अलग। मैं मान गई, शादी हो गई और तुमसे दूर रहने के लिए जो नाटक मैंने खेला था वो नाटक चलता रहा। नाटक? हाँ, बीमारी का नाटक। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं थी विशाल, वो सब ढोंग था, झूठ था। तुमसे दूर रहने और तुम्हें परखने का एक बहाना था। क्या? हाँ विशाल, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम दिन रात मेरी सेवा करते रहे, मुझे इतना प्यार देने लगे कि मुझे खुद से शर्म आने लगी। तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मेरी जुबान पर लाखों ताले लगा दिए। मैं डरती रही कि अगर अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत और माँ की ममता को हमेशा के लिए खो दूंगी, लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ विशाल। मैं तुम्हारा विशाल, 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 नहीं विशाल, मानी, अंकल, विशाल, नहीं विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विशाल, अंकल, नहीं मानी, नहीं रहा।
हाल कैसा है? I'm sorry बेटे, उसे मैं बचा नहीं सका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मधु, मधु, होश में आओ। विशाल, मुझे अकेला मत छोड़ना। मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा तुझे पगली, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने कोई बुरा सपना देखा है? मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ मुझे। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हारा तो भेजा फिर गया है। तुम कुछ भी समझो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं माँ बनूंगी। मैं विशाल के बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मधु बेबी। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि विशाल को जानलेवा बीमारी है। हाँ बेटी, वो बीमार है। बीमार है तो क्या हुआ? आप किस बात के डॉक्टर हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं आपने? क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं आप? क्यों लोग सुबह शाम हाथ उठाकर आपको दुआएं देते हैं? दुनिया भर के लोगों को शफा और जिंदगी देने वाला डॉक्टर आज अपनी बेटी के सिंदूर को मिटने से नहीं बचा पा रहा। ये मत कहो बेटी, मेरा बस चले तो मैं अपनी जान दे के तुम्हारे सिंदूर को बरकरार रखूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। किस बात की मजबूरी है अंकल? आपकी तालीम और डिग्रियों की या फिर दौलत की? दौलत की नहीं बेटी, हम सब के ऊपर भी एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। ये सब उसी की मर्जी से तो हो रहा है। ये सब मेरे ही गुनाहों की सजा है। मेरे प्यार को नजर लग गई, मेरी अपनी नजर लग गई। आपने ठीक ही कहा था अंकल, मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। झूठ बोलकर शादी की